हाय फ्रेंड, दिस इज विकास इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन, इंडोर टू आउटडोर स्प्लिट एसी का कनेक्शन पूरी तरह से। पूरा इस वीडियो में पूरा देखेंगे, एक ही वीडियो में सारी कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा और एकदम इजी वे भी, जैसे कह सकते हैं कि इसको अगर आप नए जैसे कि आप सीख रहे हो या आप मार्केट में काम कर रहे हो और कुछ दिक्कत हो रहा है तो आपके लिए तो बहुत ही फायदामंद हो गया वीडियो। और अगर आप काम करते हो भी और फंस रहे हो तो उसके लिए भी आपको फायदामंद होगा। तो देखते हैं, चलिए कनेक्शन कैसे कैसे करते हैं। और मैंने रखा है यहाँ पर एक छोटा सा, जितना जैसे कि जितना भी नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसमें सारे कनेक्शन जो चीजें हैं वो सब कुछ मैंने रख दिया यहाँ पर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, और क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास इतना ज्यादा टाइम है कि बहुत सारा मेरी बात समझे, है ना। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रल और फेज कनेक्शन। जब भी आप लेते हैं, कितने कनेक्शन लेते हैं? दो कनेक्शन लेते हैं, एक न्यूट्रल होता है एक फेज होता है। तो जो हम लोग सर यहाँ पर आपने देखे होंगे सॉकेट से कितने कनेक्शन लेते हैं, दो ही कनेक्शन लेते हैं, एक न्यूट्रल होता है एक फेज। तो न्यूट्रल को हम एक बनाए कनेक्टर पॉइंट, ये है कनेक्टर पॉइंट। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं वो आपको समझा दे पहले। ये कनेक्टर पॉइंट है, ये है पीसीबी, ये इंडोर की चीजें हो गई। और आउटडोर में क्या क्या मैंने लगाया है, ये कॉन्ट्रेक्टर है, ये कंप्रेसर है, और ये आपको 36+4 MFD का कैपेसिटर है, क्या ये कैपेसिटर है, और ये है आपका फैन मोटर। ये चीजें मैंने इतना रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने न्यूट्रल को लाया, और न्यूट्रल को लाकर कहाँ रख दिया, न्यूट्रल कनेक्टर पॉइंट के न्यूट्रल पोल पर, और फेज को इस पर, क्लियर है ना। इसके बाद क्योंकि यहां पर मैंने पी और P1 और P2 लिखा है, क्यों? क्योंकि यहां पर फेज मैंने दो दो रखा है, क्योंकि मैं कॉन्ट्रेक्टर का यूज कर रहा हूं। तो जाहिर सी पता है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रेक्टर के लिए एक अलग से फेज आता है, जहां से आपका ये कॉन्ट्रेक्टर हमारा जो होता है, जो प्लंजर से होकर एक फेज हमको डायरेक्ट यहां से निकालते हैं, जो कंट्रोल होकर यहां से निकालता है उसके लिए अलग से निकालते हैं, ठीक है। और एक अर्थ है, मैंने इसको दे दिया। अब ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये दोनों पोल एक ही में हम जोड़ देंगे, तो ये दोनों फेज में आपको लाइन आ गया, P1 और P2 दोनों में आ गया। यहां तक मैंने कनेक्टर का काम खत्म कर दिया, मैंने यहां एसी के अंदर ये काम कर दिया। अब यहां से मैं पीसीबी पर डालूंगा, कौन कनेक्शन कहां डालूंगा वो देखिए। देखिए यहां पर एन पावर मैंने रखा है, और यहां एक रिले रखा है, और एक फ्यूज डाला है। अब आपको क्योंकि आपको भी पता है कि पीसीबी में इससे ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं होता है, और बहुत सारे चीजें इसमें, बहुत सारे एलिमेंट या डिवाइस लगे होते हैं जो आप जानते हैं, बहुत सारा लगे होते हैं, लेकिन उसमें मैंने उससे कोई, आपको पता है कि जैक टू जैक करना है तो उसमें कनेक्शन कुछ करना है नहीं। अब मैंने जो भी कनेक्शन करना है बस उसको यहाँ पर रखा है। तो आपको करना क्या होता है कि एन पावर यानी कि न्यूट्रल, और एक फेज होता है जो रिले, अब इसके बाद एक फ्यूज है। तो जैसे कि मेरे दोस्त आपको पता होगा कि रिले को कैसे पता करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर 3 और 4 में से कौन से नंबर पर हम यहाँ पर मेन को फेज को देंगे, 3 नंबर पर देंगे कि 4। अब जैसे सोच रहे हो किसी पर दे दो, तो नहीं, किसी पर नहीं देना है। इसके लिए आपको मैं बता दूं, ये फ्यूज से आपको कंटिन्यूटी दोनों पोल पर चेक करना है, फ्यूज से कंटिन्यूटी दोनों पोल पर चेक करना है। जिस पोल पर कंटिन्यूटी बताएगी वही आपका इनपुट पॉइंट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम फ्यूज और 3 नंबर पर चेक करें तो कंटिन्यूटी बता रहे बाबू, तो क्या करेंगे, 3 नंबर को हम इनपुट बनाएंगे। और एन पावर तो जैसे कि आपने देखा है कि एन पावर यहां पर लिखा हुआ है, तो न्यूट्रल डायरेक्ट यहां से उठाएंगे और एन पावर पर क्या करेंगे, यहां से न्यूट्रल उठाएंगे, दूसरा पिन, सॉरी देखिए एन पावर यहां से उठाएंगे और डायरेक्ट एन पावर पर दे देंगे, न्यूट्रल उठाकर एन पावर पर दे दिया, यानी कि ये दोनों पोल में हमारा न्यूट्रल दौड़ने लगा। क्या हुआ, दोनों में यहां से क्या, दोनों तो पोल एक ही होता है, तो यहां पर हमारा क्या हुआ कि न्यूट्रल दौड़ने लगा यहां पर। अब हम फेज उठाएंगे, जाहिर सी बात है कि फेज यहां से उठाए और 3 नंबर पर दे देंगे। 3 नंबर पर क्यों देंगे, क्योंकि सर फ्यूज से हमने कंटिन्यूटी चेक किया रिले पर, जिस पोल पर मेरा कंटिन्यूटी बताया वही, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं इसलिए कि ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए और छोटा ही मतलब छोटे समय में आपको सारी चीजें पता चल जाए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। ऐसा अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं चीजें को मतलब लंबा थोड़ा करूंगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि ज्यादा लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है ना। तो मैंने फ्यूज को उठाकर रिले पॉइंट पर, उस पॉइंट पर दिया जिस पॉइंट पर मेरा फ्यूज से कंटिन्यूटी बता रहा है, क्लियर है। अब दूसरा 4 नंबर से हमारा यहाँ से फेज निकलेगा और यहाँ से न्यूट्रल मेरा निकलेगा, मतलब यहाँ का काम खत्म हो चुका। अब जब यहां से ये तो
अर्थ है। अब यहां से मैं क्या करूंगा कि यहां से जो एक न्यूट्रल और एक फील्ड लेकर कॉन्ट्रेक्टर के दोनों पोल पर दूंगा। आपको जैसे कि पता है कि कॉन्ट्रेक्टर यह है, कॉन्ट्रेक्टर में यहां पर एक पोल इधर लेफ्ट साइड और एक पोल राइट साइड होता है। अब यहां पर आप न्यूट्रल दोगे, यहां पर फील्ड दोगे, तो जाहिर सी बात है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जिसके तहत आपने फेज डबल जो दूसरा लाएंगे वहां से ये क्रॉस होगा। इसको चालू करने के लिए हमको जहां पर देखिए, एक तरफ इधर भी क्वाइल बंधा होता है, एक तरफ इधर भी क्वाइल बंधा होता है। जब तक से अगर मान लीजिए कि इधर न्यूट्रल देते हैं तो आपको इधर फेज देना है, अगर इधर फेज देते हैं तो न्यूट्रल इधर देना है। मतलब कहीं भी कुछ भी दीजिए, अगर यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर फेज दे देते हैं तो ये जो कॉन्ट्रेक्टर है हमारा चालू हो जाता है। बस केवल चालू होता है और कुछ नहीं होता है। क्या होता है? बस चालू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम न्यूट्रल उठाए और न्यूट्रल को हम यहां पर इस पोल पर दे दिए, ठीक है, न्यूट्रल को इस पोल पर दे दिए, ठीक है, और मैं चार नंबर रिले से निकालकर फेज को यहां दे देता हूं, ठीक है, फेज को यहां दे देता हूं। हुआ क्या कि यहां न्यूट्रल दिए मैंने, और जब यहां न्यूट्रल दिया और यहां पर फेज दिया तो ये कॉन्ट्रेक्टर हमारा स्टार्ट हो गया। कॉन्ट्रेक्टर क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी इसका कुछ वर्क नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब तक से हम इस पॉइंट पर हम फेज दूसरा डालेंगे नहीं, तब तक से ये फेज पास नहीं करेगा, और जब फेज पास नहीं करेगा तो फिर हमको इसको रखने का फायदा क्या है? अब इसको लगाते क्यों, या थोड़ा सा आपको बता दूं कि कॉन्ट्रेक्टर को लगाते क्यों। देखिए, कॉन्ट्रेक्टर का यूज इसलिए हम लोग करते हैं ताकि ये जो पीसीबी पर लोड सबसे ज्यादा होती है वो लोड क्या हो जाए, कम हो जाए। अब हमने जैसे यहां से कॉन्ट्रेक्टर रिले से लेकर यहाँ फेंक दिया और न्यूट्रल यहाँ पर दिया, इसको बस चालू करने के लिए इसका लोड अब रह जाएगा। ये जैसे ही चालू होगा इसका काम खत्म हो गया, अब इसका लोड जो है आगे नहीं जाएगा। अब लोड कौन आगे जाएगा? तो फिर हम जो P2 लिखे हैं ये P2 लेकर आगे जाएंगे, और ये P2 को कहाँ रखेंगे? इस पॉइंट पर रखेंगे जिसमें प्लंजर लगा होता है। अब देखिए, आपको हम दिखा दें कि ये कॉन्ट्रेक्टर कहाँ ऐसा होता है। देखिए, यहां पर ये कॉन्ट्रेक्टर है, आप इसको देखिए ध्यान से, एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेज, आप जैसे ही देते हैं ये कॉन्ट्रेक्टर चालू हो जाता है, और दूसरा जो फेज है आप इसको यहां दीजिए, जो हम यहां पर दिए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक प्लंजर होती है, देखिए ये जैसे ही आप इधर न्यूट्रल और इधर फेज देते हैं, इसमें जैसे ही लाइन आता है बाबू, ये जैसे ही स्टार्ट होता है ये प्लंजर नीचे की तरफ चली जाती है, ये प्लंजर नीचे की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, और उसके बाद जो फेज आप देते हो ये फेज कंट्रोल होकर आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये फेज आगे की ओर कंट्रोल होकर बढ़ेगा, और न्यूट्रल हम वही जगह से ले सकते हैं, ये न्यूट्रल हो गया और ये क्या हो गया? फेज हो गया। यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने कर किया है क्या है, बस रिले से तीन चार नंबर से लेकर, देखिए चार नंबर तीन नंबर मैं बार बार बोल रहा हूं तो आप बस इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल तो आप कर नहीं रहे, ये चीजें मैं थ्योरी से समझा रहा हूं, इसलिए मुझे चार नंबर तीन नंबर बोला जा रहा है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि तीन नंबर पर ही फेज जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जिस पर कंटिन्यूटी जाएगा वही आपका इनपुट होगा, और जो जिस पर नहीं कंटिन्यूटी बताएगा वो आउटपुट होगा। तो यहां से चार नंबर से आउटपुट मेरा निकल रहा है, और कॉन्ट्रेक्टर के दूसरे सिरा पर दिया है, और न्यूट्रल लेकर ये पहले सिरा पर दिया, इस तरह से हमारा कॉन्ट्रेक्टर स्टार्ट हो गया। अब यहां से मैंने दूसरा फेज लेकर कहां दिया? कॉन्ट्रेक्टर के डायरेक्ट मेन बाईपास करने वाले सिरे पर दिया, जहां से हमारा कंट्रोल होकर फेज आगे की ओर निकल रहा है, ठीक है। जैसे ही इतना हुआ, न्यूट्रल और फेज मिला, अब हम करेंगे क्या कि न्यूट्रल का कनेक्शन सबसे पहले कर लेंगे, यानी कि कंप्रेसर और फैन मोटर के कॉमन वाला कनेक्शन सबसे पहले कर लेंगे। तो करना क्या है आपको, न्यूट्रल को कनेक्शन कर लीजिए, इस कॉमन पर दे दिए, यानी कि कंप्रेसर के कॉमन पर हमने दे दिया, यही न्यूट्रल आगे की ओर लोड जाएंगे, और आगे की ओर ले जाकर डायरेक्ट इस कॉमन पर भी दे देंगे, यानी कि फैन के कॉमन पर और कंप्रेसर के कॉमन पर, दोनों पर हम न्यूट्रल दे दिए। अब हमारा बचा है दोनों का रनिंग स्टार्टिंग, फैन का भी और कंप्रेसर का भी रनिंग स्टार्टिंग बचा है। अब उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम ये जो फेज है बाबू ये आगे की ओर लेकर आएंगे, और हम उस पॉइंट पर देंगे जहां कैपेसिटर के ये कॉम्बो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां सी लिखा रहता है दोनों का रनिंग पॉइंट होता है, जहां एच लिखा रहता है यानी हॉर्न होता है, जो कंप्रेसर का स्टार्टिंग होता है, और जो बाबू एफ लिखा रहता है वो फैन का स्टार्टिंग होता है। जैसे हम ये दिए तो दोनों का रनिंग यहां से आप दौड़ा दीजिए, यहां से उठाकर आप रनिंग इस पर दे दीजिए, और यहीं से उठकर ये जाएगा कहां? कंप्रेसर के रनिंग पर,
ठीक है। अब कंप्रेसर के रनिंग भी हमने दे दिया, फैन के रनिंग भी दे दिया, बचा दोनों का स्टार्टिंग। तो हॉर्न किसका स्टार्टिंग होता है? कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर का स्टार्टिंग पर हम दे दिए, और फैन किसका स्टार्टिंग होता है बाबू? फैन मोटर का। तो फैन मोटर को दे दिए। इस तरह से हमने क्या किया कि सारा कनेक्शन कर दिया। फिर से एक बार मैं समझा दूं फेज को कैसे लाया। फेज को लेकर आकर हम कैपेसिटर के कॉमन पॉइंट पर दिए, जैसे ही यहाँ पर दिए तो ये दोनों का रनिंग पॉइंट यहाँ से बन गया, किसका? फैन मोटर का और कंप्रेसर का। तो यहाँ से फैन मोटर के रनिंग पर दे दिए, और यहीं से उठाकर आप देख रहे हैं कि हम किसको दे दिए? कंप्रेसर के रनिंग पर। यहाँ क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बचा है हॉर्न, हॉर्न से स्टार्ट कंप्रेसर के स्टार्टिंग को दे दिए, और फैन बचा है तो फैन से फैन को स्टार्टिंग पर दे दिए। हालांकि चीजें आप बेहतर समझ गए होंगे, अगर आपको दिक्कत हुई होगी तो आप हमको कमेंट करेंगे, और सारी चीजें मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।